और सिर्फ बात उत्तराखंड के रुड़की की करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की की प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन ने रुड़की की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। और बैठक में विभिन्न विभागों की तरफ से किसानों के कार्य ना किए जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रूड़ को भी अगुवाही में यहाँ पर किसानों की तरफ से आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। भारतीय किसान यूनियन रोड गुट की यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के यहाँ पर नेतृत्व में नहर किनारा स्थित यहाँ पर सिंचाई विभाग प्रशासनिक भवन के परिसर में किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली विभाग, चकबंदी विभाग की तरफ से किसानों का कार्य ना किए जाने और साथ ही शुगर मिल की तरफ से यहाँ पर किसानों का बकाया भुगतान ना किए जाने को लेकर मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रूड़ ने कहा है कि यहाँ पर आज किसान इस हालत में है कि यहाँ पर वो अपने घर का गुजारा सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बिजली विभाग किसानों को भी जानबूझकर परेशान कर रहा है और साथ ही चकबंदी विभाग उनके कार्य को पूरा ना करके पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर चीनी मिलों की तरफ से किसानों को बकाया भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज आवश्यक बैठक बुलाई थी किसानों की, अपनी समस्याओं को लेकर बुलाई थी। जो चकबंदी में यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, हम बार बार कहने के बावजूद भी जिसकी कहीं कहीं जांच चल रही हो और उसमें कुछ होता ना हो, तो मैं पूछना चाह रहा था यहाँ के प्रशासन तो भाई, या तो इनकी मिली भगत साफ सीधी बात इनकी, या इन्हें इनका बड्डा सज्जा, नहीं तो ऐसी क्या बड़ी बात है जब आपको हमने बताया दिया भाई इतना बड़ा घोटाला, इसे आप क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्या अधिकारी एक बार तो कहेंगे काम कर देंगे, जाँच होगी, ये होगा, निकलेगा और फिर ठंडे बस्ते में। तो हम कुल मिलाकर तो चकबंदी के उसमें आए थे, हम इसका बड़ा घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे तहसील की, इतना इस मामले को नहीं सोल्व करते हैं चकबंदी। ये सरकार जो है ये कुंभकर्ण की नींद सो रही है, इसके दिमाग में कोई गलत फहमी है कि बहुमत से सरकार तो बन जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दोबारा फिर जनता के बीच में जाना, और जनता जब त्राही त्राही मचती है तो जनता उसका जवाब समय आने पर तो देती देती है, लेकिन उस बीच में भी सड़कों पे उतर के ये मजबूर कर रहे हैं सब किसानों को। और किसान आज इतना दुखी हो गया है कि सरकार गन्ने का पेमेंट नहीं कर रही है, उसकी बैंक से आरसी कट रही है, बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहा है, और बिजली की इतनी लापरवाही हो रही है बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा। लाइनें अभी जब बीच में तूफान आया था, खंभे गिरे पड़े हैं गाँव के अंदर, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, और ना तो सिंचाई हो पा रही है, और बिजली का पता नहीं ना शहर में ना गाँव में कि कब आएगी कब चली जाएगी, और उससे सारे कार्य बाधित हो रहे हैं। जनता भी परेशान है, किसान भी परेशान है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।